हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा कटलेट्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये रवा कटलेट्स। इसके लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर एक कप पानी डाल दिया है। पानी के अंदर एक कटोरी सूजी, कटी शिमला मिर्च, कटा प्याज, कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, एक कटोरी फ्रोजन कॉर्न, थोड़ा सा तेल, नमक स्वाद अनुसार। इसको अच्छी तरह से 2 या 3 मिनट के लिए इसको हिला लें। ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। ये पैन को छोड़ने लग गया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। मैदे को हमने ये बिल्कुल पतला घोल लिया है और ये ब्रेड क्रम्स है, इसके अंदर हमने चिली फ्लेक्स थोड़ी डाल देनी है स्पाइसी करने के लिए। अगर कोई स्पाइसी नहीं खाता तो ना भी डाले। अब हमने हाथ को थोड़ा सा तेल लगा लिया है, इसको घोल आकार में मैदे के घोल के अंदर इस तरह से डाल लेना है। निकालने के बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल के हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि क्रम्स जो हैं पूरी तरह से साथ चिपक जाए। इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, ऑल शेप भी दे, गोल भी दे सकते हैं। ये हमारे कटलेट्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके इसको हम तेल में डालेंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है, ताकि ये अंदर से भी पूरी तरह सिक जाए। इसे हमने बीच बीच में चेक करते रहना। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको सेकना है, ताकि ये अंदर से पूरी तरह से फ्राई हो जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। ये हमारे रवा कटलेट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे रवा कटलेट्स बनकर तैयार हैं। इसे हम नाश्ते में सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय में भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।